काफ़ी मतलब वो है, तो मैंने सर से भी बात की कॉलेज में, उन्होंने कहा ठीक है 2000 रुपये मतलब जमा कराओ तो रिजल्ट आएगा। फिर मैं इसके बाद यूनिवर्सिटी गई, MD यूनिवर्सिटी रोहतक में, तो उन्होंने भी कहा 2000 रुपये लगेंगे। किस चीज़ के बताए उन्होंने? मतलब रिजल्ट के, रिजल्ट लेट है ना, म्यूजिक में भी मतलब वो है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ। और अब मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है अभी, उसका भी नहीं, तीनों सेमेस्टर नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी 3rd का तो आया नहीं है, 1st और 2nd का नहीं आ रहा है। प्रदर्शन किया गया है, वो रिजल्ट की धांधली जो MDU प्रशासन बार बार करता आ रहा है, पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं कि पेपर देने के बाद में एब्सेंट शो किया जाता है या फिर रिजल्ट ही नहीं निकाला जाता। वही मामला है, ये BA 2nd ईयर के स्टूडेंट्स का मामला है। 1st ईयर में इन्होंने पेपर दिए थे, उसके बाद में रिजल्ट शो नहीं किया गया। इनको ये बोला गया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइम पे जमा नहीं किए गए, जबकि इन्होंने टाइम पे जमा करवा दिए थे। फिर इनको लेट फीस के लिए बोला गया, लेट फीस इन्होंने 500 रुपये जमा करवा दी। अब फिर कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है कि MDU की तरफ से दोबारा से फीस मांगी गई है 2000 रुपये, आप 2000 रुपये जमा करो, फिर रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। अब भी कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि कोई पक्का नहीं है 2000 रुपये जमा करवाने के बाद।